दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी सीकर से। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बोलता हूं इसको मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। 31 जनवरी 1996 में एक बीज लगाया था सीएलसी रूपी पौधे का। वाहेगुरु के आशीर्वाद से, नाथ जी के आशीर्वाद से, मेरे मार पिताजी के कई कई जन्मों के अच्छे कर्मों से, मेरे साथियों के सहयोग से, मेरे अपनों की दुआओं से, मेरे गार्जियंस के आशीर्वाद से, मेरे बच्चों के प्यार के बलबूते हर परिस्थिति में मैं अपनी जगह टिका रहा। मैं रुका नहीं, मैं झुका नहीं, मैं टूटा नहीं। और 25 साल से आपके अपने सीएलसी की सुरक्षा कर रहा हूं, आपके अपने सीएलसी को सेवा दे रहा हूं, आपके अपने सीएलसी बोल रहा हूं मैं, क्योंकि सीएलसी आपसे मिलकर बनती है। मैं तो यहां का निमित्त मात्र व्यक्ति हूं दोस्तों। डियर, 31 जनवरी 1996 से लेके आज 31 जनवरी 2021, 25 साल एक बड़ा टाइम पीरियड है। यूं कहूं कोटा के बाहर एकमात्र संस्था सीएलसी है जो 25 साल से सुरक्षित भी है, सफल भी है, संस्कारी भी है और प्रगतिशील भी है। इन सब बातों के लिए आप सबको प्रणाम। दोस्तों आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए हमेशा बड़ी ताकत के रूप में मेरे साथ खड़ा रहा। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मेरे 25 साल को यूं मुड़ के देखता हूं तो कल किसी बात लगती है। वो एक शेर कि मैं तो अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मेरे अपने आते गए और ये कारवा बनता गया। यूं कह सकता हूं मैं कि 25 साल पूरा होने के बाद आदमी, वो कहते हैं ना, आप उसका बाल्यकाल पूरा होकर उसका यौवन स्टार्ट होता है। जो हमारे पुराने टाइम में चार आश्रम की प्रथा हमारे भारत देश में थी, 25 साल पूरे करके अपना पहला जीवन का फेज पूरा किया सीएलसी ने। अब सीएलसी उत्तरोत्तर प्रगति की ओर ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रही है। इसके पीछे केवल एकमात्र कारण है साहिल का मेरे साथ खड़ा होना, नरेश जी का मेरे साथ खड़ा होना, अच्छी टीम का मेरे साथ खड़ा होना और आप जैसे मेरे अपने हजारों हजारों की दुआएं। और विशेष रूप से इस लॉकडाउन के दौरान पिछले 10 महीने में जो अपनों ने मुझे प्यार दिया, जो मुझे बड़ों ने आशीर्वाद दिया, उसे तो अभिभूत हूं। हर दिन कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आता है देश के किसी कोने से, वो कहता है श्रवण सर, लॉकडाउन में आपके लाइव के कारण हम आपसे मिलने आए हैं, एडमिशन के लिए आए हैं। दोस्तों 30 जनवरी को हम 245वां लाइव करने जा रहे हैं। 245 से रोज हम लाइव आ रहे हैं तो हमने कहा इस लाइव को विशेष क्या करें, इस लाइव पे ऐसा विशेष क्या करें जिससे हर व्यक्ति को लगे कि मेरी सीएलसी का स्थापना दिवस की पूर्व संध्या है। तो मैं, सुनील, साहिल सब ने एक आइडिया क्रिएट किया कि क्या किया जाए। तो हमने कहा था पूर्व संध्या, 31 जनवरी की पूर्व संध्या 30 जनवरी 2021 को ठीक 6:30 बजे अपन लाइव पे पहले एक साथ लाइव पे आएंगे। सीएलसी सीकर और सीएल सीकर यूट्यूब चैनल, फेसबुक पर लाइव आता हूं मैं, सबसे पहले आप सब लोग लाइव पे मेरे साथ रहें। और ठीक 7 बजे हम 5 दीपक दोस्तों अपने घर में चलाएंगे। कहां? स्टूडेंट है तो अपने स्टडी रूम में, अपने पूजा घर में और अपने घर की मुंडेर पे। जो इस्लाम को मानने वाले स्टूडेंट हैं वो उस जगह दीपक जलाएं जहां दादा दादी नमाज पढ़ते हैं। जो भी हमारा पवित्र स्थान है घर का, वहां एक दीपक जलाएं सीएलसी की सफलता के लिए। एक दीपक आपकी स्टडी रूम में और बाकी दीपक आपके छत की मुंडेर पे, कम से कम 5 हैं, अधिक से अधिक कितने जला सकते हो, ये आपका सीएलसी का और प्यार है। कई बच्चों ने कहा सर 5 ही कैसे बताए, बेटा जी एक शुरुआत है, एक शुभ संख्या होती है हमारे यहाँ। बिल्कुल ठीक 7 बजे जो जिस व्यक्ति को लगता है कि मैं सीएलसी का अपना हूं, या जिस किसी को लगता है कि सीएलसी के कारण मेरे घर में खुशी आई, मेरे घर में कोई बच्चा आईटी में गया, एनआईटी में गया, मेडिकल में गया, आईसीआर में गया, आयुर्वेद में गया, होम्योपैथी में गया, या मेरा बच्चा बेटा बेटी सीएलसी पढ़कर आज एक सफल इंसान है, एक संस्कारी इंसान है, तो आपको दोस्तों निश्चित रूप से आज तक जो आपने मेरा मानसिक सेव किया है वो सेव 30 तारीख को 7 बजे फिर करें, ताकि मैं मेरे काम को आगे और बेटर कर सकूं। 30 तारीख को रखने के पीछे मकसद भी यही है कि 30 जनवरी की शाम 7 बजे एक साथ दीपक जलाएं, उनका एक फोटो बनाएं, विशेष रूप से घर के सारे मुखियाओं को, दादा दादी मम्मी पापा, घर में जितने लोग आप हो, दीपक सामने रख के एक फोटो क्लिक करें, उस तख्ती पे लिखें जय सीएलसी लिखें, विजय सीएलसी लिखें, और वो फोटो तुरंत प्रभाव से
31 तारीख को, 30 तारीख की रात, 30 और 31 की रात को 12 बजे, जो 12 बजे बाद आजकल बच्चों में एक बर्थडे मनाने का ट्रेंड होता है, तो 31 तारीख को यानी 30 और 31 की रात को ठीक 12 बजे अपने फेसबुक पेज पर अपलोड करें और उसका एक कैप्शन हो सबका, मेरी सीएलसी के नाम, मेरी सफलता के दीपक, ऐसा कुछ कैप्शन बना के आप उस पर डालें। ठीक है डियर, ये अपील मैं सारे अपनों से करना चाहूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं 31 तारीख को, 31 जनवरी को पूरे उत्तरी भारत की फेसबुक सीएलसी में हो जाए, अपनी सीएलसी में हो जाए। सीएलसी में 5 शब्द हैं जिन पे जीती है सीएलसी। हमारा काम है शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा, उसके बाद सफलता, और आपका सबसे बड़ा काम है विश्वास। मैं, मेरे यहां जो बच्चा सफल होता है, गार्ड सर कहते हैं श्रवण जी आपने ये किया, सीएलसी ने वो किया, मैं हमेशा उनको बात करता हूं, साहब हमने तो बाद में किया, सबसे पहले आपने विश्वास करके अपने जिगर के टुकड़े को, अपने बेटा बेटी को हमें सौंपा, इसलिए सबसे पहले आपके विश्वास को प्रणाम है। जिस विश्वास के बलबूते आप लोग सीएलसी का चुनाव करके अपने बेटे बेटी को हमें सौंपते हैं, और उसके बाद हम शुरू होते हैं, शिक्षा भी देते हैं, संस्कार भी देते हैं, सुरक्षा भी देते हैं, और सफलता भी देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का एक अपील यही है कि 30 जनवरी 2021 को 6:30 बजे सीएलसी सीकर फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे लाइव मेरे साथ हो जाएं। दीपक तैयार करके छोड़ दें पहले से, ठीक 7 बजे हम दीपक जलाएंगे एक साथ। जो इस वीडियो को देखने वाले सीएलसी के आसपास रहते हैं सीकर में, वो फिजिकली यहां आ सकते हैं, वैसे फंक्शन नहीं है कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ, फंक्शन नहीं करेंगे, लेकिन वो यहां से एक दीपक अपने हाथ से लेके जा सकते हैं अपने रूम पे, अपने घर पे। हॉस्टल के बच्चे अपने रूम में दीपक जलाएंगे, हॉस्टल छत पे दीपक जलाएंगे, और जिनके बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं उन गार्जियन से सबसे निवेदन है कि वो घर पे दीपक जलाएं। ये एक बात थी, अब मेरे शब्दों पे प्रॉपर नहीं जाए, मेरा भाव यही है, मेरी इच्छा है कि 30 जनवरी को 7 बजे हजारों हजारों घरों में सीएलसी के दीपक जले। दोस्तों मुझे अच्छा लगेगा, और मैं, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आपके लिए और बेटर काम कर पाऊंगा, मेरी टीम से और अच्छा काम करवा पाऊंगा। और कोरोना के, कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान जो ये लाइव सेशन हमारा चल रहा है, इतना जिंदगी दोस्तों हमारा कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि इतने सारा प्यार, इतना ढेर सारा प्यार, मैं मतलब क्या कहूं, मतलब सब मेरे पास नहीं है, वो प्यार जिसने मुझे इस टफ टाइम में, बुरा टाइम किसी को नहीं कहता, इस टफ टाइम में मुझे मजबूत रखा, टूटने नहीं दिया, झुकने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया। आप सबसे अंत में एक बार फिर से, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और सीएलसी के साथ आपका स्नेह प्यार बना रहे। 30 जनवरी शाम 7 बजे दीपक जलाएंगे, और 31 जनवरी को हमारी नई बिल्डिंग जो बनी है भावस्थली, उसका लोकार्पण है, ठीक 11:15 बजे उसका लाइव फिर 31 को करेंगे। और आप जो लोग दीपक जला रहे हैं, प्लीज अपने परिवार के साथ एक फोटो क्लिक करके अपने फेसबुक पे उसको जरूर जरूर डालें। थैंक यू, जय जय सीएलसी, जय जय सीएलसी।